हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि आप विपिन सर के पास गए हो, खान सर के पास नहीं गए हो। तो देखिए, मैं खान सर के पास हूँ, साक्षात खान सर हमारे सामने है। देख लो भाई देख लो, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बिठाई हुई है खान सर की। अच्छा, नहीं देखो, सारे लोग, सारे टीचर एक दूसरे से टच में ही रहते हैं। कैसे आप लोग को इम्प्रूवमेंट और किया जाए, ये सारे टीचर्स का यही एक लास्ट गोल यही होता है। अब जैसे अभी रेलवे को लेके सारे टीचर लोग मंथन कर रहे हैं, बैठ बैठ के दो दो तीन तीन घंटे मीटिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा व्यस्तता इसमें भी रहती है। बहुत जल्दी आप लोग को सारे टीचर लोग डेट अनाउंस करेंगे। सबको पता है डेट क्या है सबको पता है, लेकिन सबको हमने, हम उस दिन 23 तारीख की मीटिंग में ना, 23 तारीख की मीटिंग में फिक्स था कि डेट बता देना। हम लोग ने कहा कि नहीं नहीं बताना, अभी सबको बताना। हाँ हाँ, 30 कभी बताया जाएगा, लेकिन बताया जाएगा। लेकिन हाँ, रेडी रहिएगा आप सारे लोग। देखिए, डेट ना फिक्स हो गई है गोपनीय तरीके से। हाँ। सीक्रेट मीटिंग हुई है रॉकी। हाँ। और डेट को फिक्स कर दिया, और कम से कम हमारी और सर की 3-3.5 घंटे बात हुई है। इतना तो मेरे हिसाब से जीवन में, अब तक के जीवन में किसी को इतना समय दिया नहीं होगा जितनी हम। आप इतना दूर से आए हैं, ये बहुत सम्मान दिया। दूर की, दूर से आया। दूसरा, बिहार में आप जब भी आइएगा, आपको भले यहाँ पे सड़कें खराब मिलेंगी, हो सकता है यहाँ बिजली की समस्या हो जाए, नाली की, लेकिन यहाँ सम्मान की समस्या कभी नहीं होगी। खान पान में तो कभी कोई समस्या नहीं, यहाँ बिहार में हमेशा। आप कभी भी आएंगे आपको हमेशा। अच्छा, एक चीज और, हमने जब इतने घंटे बात किया, बहुत सारी बात हुई, तो मुझे एक चीज सीखने को मिली। भाड़ में जाए जनता, कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई फर्क नहीं। देखिए, एक होता है कि आप अच्छा आदमी बोले तो उससे फर्क पड़ता है। अब कोई जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको इतना नहीं होता है, वैल्यू नहीं देना चाहिए इतना। मतलब फालतू लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली आप उस वाले पे बोल रही है जो रिपोर्ट उतना तो इग्नोर रहेंगे। राम जी जब बनवास काट के आए, लोग तो उंगली उठाए थे, हम लोग किस डेक्ची के मसाला है, नहीं समझे। हम लोग क्या है, हमारे कोचिंग में तो बम मारा, जब पहला बम फटा ही नहीं, मतलब कुर्सी के नीचे ही आया था तो नीचे आया था वहां पे, और 2 घंटे तक वहीं पता रहा। सीसीटीवी में देख रहे हैं कि पटका है 8 बम, अब 3 ठो मिल नहीं रहा है, 3 ठो कुर्सी के नीचे। जब बाद में सफाई हुआ तो उसमें 3 ठो था, बाकी लोग सारे लोग उधर। कुछ कुछ नहीं भी फूटता है, नहीं फूटता है कुछ। आप आइए, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं, हम लोग हैं एकदम, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या काम सर, हम लोग 100% आपको सिक्योरिटी देंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं, एजुकेशन के लिए आपको बताते हैं ना, यहाँ पर, यहाँ पटना में 2 गंगा बहती है, एक पानी की गंगा, एक स्टूडेंट्स की गंगा। और इन लोग स्टूडेंट्स में ना लगन बहुत है पढ़ने की, बट बेचारे इतने पुअर फैमिली से आते हैं ना कि सरवाइव देख के अजीब सा लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है 5G के जमाने में, इम्प्रूवमेंट पर जरूर। आज हम गए हैं जमुई, वहाँ पे मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठा ना, वो लड़का पोछा मार रहा था और एकाएक देख के कहता है प्रणाम सर। बोले तुम यहाँ? बोलता सर मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं यहाँ पोछा लगा के सर पढ़ाई करता हूँ, और खूब रोने लगा। मैम ये डेडिकेशन है यहाँ के बच्चे। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगी, यूपी हरियाणा वालों, आराम करो, पढ़ लिया करो, मतलब इतना डेडिकेशन है, मतलब ये किला बिक गया, बिघा बिक गया, इतने किले हैं मेरे पास में, और अब ये देखो बिहार में कितना डेडिकेशन है पढ़ने का। तो खेती कर लेंगे हम, तो ये कर लेंगे, बस ये रहता है, पंजाब में बुलेट बना लेंगे, कनाडा चले जाएंगे। तो मतलब बिहार में आके देखोगे तो एजुकेशन का जो रियलिटी है ना, वो एक ही जगह पता चल सकता है, पूरे इंडिया में, बाकी में सच है। एजुकेशन ऐसा नहीं है केवल बिहार में, डेडिकेशन, डेडिकेशन सबसे बड़ा चीज क्या ना, यहाँ जिन स्टूडेंट को तकिया लगाने को पैसा नहीं है ना, वो हाथ मोड़ के तकिया लगा लेता है, लेकिन सोचता है कि 50 रुपए का तकिया खरीदेंगे, उससे अच्छा एक सेट प्रैक्टिस खरीद लेते हैं, किताब खरीद लेते हैं, हाथे मोड़ के चला लेता है काम। कमरा देखे ना सर उन लोगों का कितना, एक बार मैम को कमरा दिखा देते तब पता चलता है। बहुत सारे लड़के स्टूडेंट करते हैं, मेहनत करते हैं, ये इतना बड़ा बेड है उनका, उसी पे सोते हैं। तो ये चीज रेलवे डिपार्टमेंट SSC को समझना चाहिए कि मतलब इतनी मुश्किल से पढ़ रहा है लड़का, उसको ना डेट देना है ना कुछ, अंदाजे में पढ़ रहा है, ये बहुत खराब लगता है अपने आप में। 2-2.5 साल हो गया है अभी। वैसे आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ, मैंने बोला था कि बिहार आएंगे, कुछ सलाह करेंगे, बात करेंगे बड़ों से, बड़ों से बात करेंगे। अच्छा, वैसे SK झा सर कहते हैं कि बड़े कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं मेरी शादी का, आप बड़े हो करवाओ। नहीं, इनकी शादी का भी
हम अकेले थोड़े ना। एक चीज बताओ, कुमार गौरव कहता है तुम शादी करो मेरी, आप कह रहे हो मुझे फोन करके कि भाई कुछ बड़े ध्यान रखें, और इनका तो हमने बात कर लिया, तो कह रहे हैं कि हम हमको शादी ब्याह समझते हैं, वैराग्य जीवन व्यतीत करेंगे, टेंशन फ्री रहता आदमी। नहीं ना बढ़िया, देखिए 8 बज गया 9 बज गया कोई टेंशन पड़े ना ऑफिस में, हमको कभी कभी क्लास में लेट हो जाता है, हम यहीं सो जाते हैं, क्लास में ही सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, सुबह स्टाफ उठा सर 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 स्टूडेंट आ रहा है, हम कहा चलो चलो पढ़ाना भी है, हम इनसे पूछे कि सर आप घर भी जाओगे या ये, बोले यहीं पढ़ लेंगे, आप मेरे यहाँ चलोगे तो एक चौकी लगा हुआ है, हाँ। आराम से सूत जाते हैं, कपड़ा वपड़ा सब रखे हुए हैं, आराम से सुबह पहने और निकल लिए, तो चलिए बहुत अच्छा लगा मैम आई, और बड़ा व्यस्त जीवन है आप इस जीवन में, शादी वादी तो ठीक बात है नहीं, इसीलिए हम लोग भी नहीं करते, ज्यादा लगता है किसी और का जीवन तो नहीं, आपकी वैसे आपकी बिटिया जो आपकी लड़की सर मैडम की हम लड़की को देखें, हमको दिखाई ये मेरी बेटी है, हम कहीं इसको मतलब कहीं से ढलवाई उलवाई है क्या डॉल वगैरह में, बहुत छोटी सी है एकदम, फोटो देखा सर ने, फोटो बहुत मतलब हां देखे वो बोर्ड वर्ड पे, सर ने एक वीडियो देखा था जिसमें बोला था कि आर्मी डिफेंस में, डिफेंस में जाएगी, मैं मेरा तो खुद का सपना था डिफेंस में जाने, उसको भी सर का कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, मेरा अपना देखने रहता टेढ़ा है, मम्मी को बोले भी मालिश नहीं की थी सही से, कुछ नक्शा आपको चेंज लगता भारत भारत हमको पता था कि हम लड़ाई में डिसीजन तो नहीं ले सकते थे, छोटे लेवल पे थे, बट कूद जाते, हमरे गोली चलती तो पीछे से तो आते सब ना बचाने के लिए, बस काम खत्म, छोड़ थोड़ी सकता हमको कोई इंडियन आर्मी को, घूस जाते हम यहाँ हमरे पीछे तुम आओ, भारत माता की, लाहौर में घूस जाते कहेगा तुम आओ बचाने के लिए, अभिनंदन को हम लोग ने छोड़ा था क्या, वो उनके इमरान खान के मंत्री थे, वो बता रहे थे कि इमरान खान पसीना छोड़ रहे थे, पता नहीं पसीना ही था कि स्टूडेंट देखिए सर हम आपको क्या बताते, आप कहीं भी चले जाइए, आपका एक सपना जो रहता है वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, स्टूडेंट जो बेचारा रेलवे के लिए उसको माथा पीट रहा है कि 2019 में फॉर्म भरे थे, उसको क्या है बेचारे एक बेरोजगार की जीवन कितना खराब होता है, जमीन गाली देती है, आसमान थूकता है उसको, उसको शरीर बोझ लगने लगता है, जब दाढ़ी बना दाढ़ी की उम्र हो जाता है, सेविंग करने के लिए पैसा बाप से लेता है ना, उसको इतना बोझ लगता है, ये कौन समझेगा आप, एसएससी को कोई मतलब नहीं है, रेलवे कोई मतलब नहीं, नहीं सर हम लोग समझाएंगे, हम लोग इस बार लगेंगे, स्टूडेंट्स को भी कहता है कि स्टूडेंट लोग आप लोग भी पूरा बढ़ चढ़ के इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, यानी हम लोग सब मिलकर साथ हैं सर, हम लोग सब बच्चे सर एक चीज और बोलते हैं कि सब अलग अलग हैं, टीचर सब एक साथ नहीं, नहीं आप अब इससे बड़ा एग्जांपल क्या, हो सकता है, मैम देखे साइंस पढ़ाती है, हम लोग सब आप भी साइंस पढ़ाते हैं तो क्या हो गया, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमको याद है जब रेलवे CBT 2 में आया था तो आपका भी टेक्निकल का बैच सुबह 5 बजे से था, हम भी सुबह 5 बजे से निकले, बहुत मेहनत का था वो जिस टाइम ALP वाले टाइम में, हाँ कर रहा हूँ, हम बोल रहे हैं बच्चा सुन